जिन्हां तो सारे वर्ल्ड ने सीध ली आगा लैनी आए आ जो गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों की बाणी दर्ज आना कबीर अमदास मैं कहना लख की लान त्या सिख जथेबंदियों में जड़िया हजे तक किसी ने जथेबंदी ने किसी जथेदार ने अब तक मूह नहीं खोलिया इस मुद्दे के जे किसी ने हंग सिंह ने कहीं बाह लाती होंगी ना तो इन्होंने जिदा बरसाती डू निकलते हैं ना इन्हें कुलबल कुलबल करते हैं तो साढ़े हंग सिंह नहीं दी एक कल का चुड़िया एमएलए हो अज निहंग सिंह फौजा जलंधर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंचिया ने बाबा जी हुणी साडे नाल गलबात करांगे बाबा जी की लोड़ पै गई इत्थे पुलिस के दरबार आए हो मरे खालसा गिरी पुलिस के दरबार नहीं आउंदा तो खालसा राव सरकार असी तो सिर्फ इन्हें मंग पत्र देने आए हैं कि जिहड़ी सरकार चुनी हुई है ना वो सरकार के जिहड़े एमएलए उन्हां दी जिहड़ी बोलबाणी आ आम बंदे नालों भी माड़ी आ जिहड़े साडे गुरु रहिबर आ उन्हां नूं भी वो एक आम व्यक्ति समझ रहे आ जिन्हां तो सारे वर्ल्ड ने सीध ली आ ते गां लैणी आ ते लैंदे आए आ उन्हां नूं आम व्यक्ति समझदे आम व्यक्ति तो माड़ा समझदे आ स्पीकर नूं तां स्पीकर साहब कह रहे आ ते जेड़े साडे गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिन्हां दी बाणी दर्ज आ उन्हां नूं धन्ना कबीर अमदास दसण दिया मैं कहना लख दी लान त्या सिख जथेबंदियों में जिहड़ियां हजे तक किसी ने जथेबंदी ने किसी जथेदार ने अज तक मूँह नहीं खोलिया इस मुद्दे के उत्ते ते जे किते किसी ने हंग सिंह ने कहीं बाह लाती होंगी ना तो इन्होंने जिदा बरसाती डड्डू निकलते हैं ना इन्हें कुलबल कुलबल करते फिर ये तो साडे निहंग सिंह नहीं जी ये तो है ही नहीं सिख ही है नहीं गे ये तो सिख हो ही नहीं सकते तो जे सिख गए तो इतने दाढ़ी पटा के तो पग गल च पवाई हो नहीं कहना सी हाँ जी जी ए निहंग सिंह साढ़े ही आ लख की लान तो डुब के मर जाओ ऑलरेडी जथेबंदियां किसी बंदे ने हादानी ना मारिया एक कल का चुड़िया एमएलए हो सिखां दे रहिबरां प्रति गुरुआं प्रति इन्नी गल कह दे की गल हो रही असीं कित्थे बैठे आ बाबा जी क्या की उन्होंने वीडियो चला के दिखाइए मतलब तुसीं देखिया नहीं ऐदा ना सवाल ना पुछा करो तानू तानू सारा कुछ पता होने के बावजूद तुसीं ना पुछिया नहीं कि मेरे पत्रकार ने ओहजा सवाल कर दिंदे सुनो मैं इन्नी गल इन्हू पुछना चाहना तो जिहड़ा इन्हें क्या सदना सैनी धन्ना रविलास मतलब इहदे ते छोटे सीगे इक्को गल का जवाब दे दे तो जो तो 500 साल उम्र चा तो ये छोटे से कहता तो अं मान लीए गल ठीक है इस बंदे ने की देने उन्होंने कल सिख पंथ नू नहीं उन्होंने सारी वर्ल्ड नू देने सारे दुनिया नू देने गुरु ग्रंथ साहब तो सारी मानवता सीध लै रही आ यह कला सिख धर्म सीध नहीं लै रहा देखो अमरीका एडा वड्डा वर्ल्ड सारे वर्ल्ड का मनिया मुल्क आ गुरु ग्रंथ साहब तो सीध लैके अपनी खोज कर रहा गुरु ग्रंथ साहब जो सीध लैके खोज कर रहा तो जो साडे वाले आते जे कहते जे साडे इत दूजे भाजपा दूजे तीजे सारे प्रोग्राम ही देखे आ उतो नंगे सिर बैठे होंगे तो गुरु ग्रंथ साहब कीर्तन होंगे होंगे प्रकाश होया होंगे वो यार अपन जे ते च इन्ना हंकार आते गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश कराने क्यों कीर्तन कराने क्यों आना जो कोई मर्जी कराओ अं कहने कुछ जो कुछ मर्जी करना पे फिर अभी तो मरन वर तक बैठा ठीक है ना फिर अभी कल तक माफी गां फिर परचा साहब चलो जी सिरमौर देखो जी मेरी गल सुनो सिरमौर संस्था वही है जिहड़ा सिख जागदा आ मैं मरिया नूं सिरमौर संस्था नहीं किसे नूं गिणदा जे कोई मरिया बंदा कह रहे तो मैं मेरे उत्तों नहीं कोई लंघ जाए तो जींदे मरिया बराबर जिहड़ा बंदा जिहदे दे मूंह चों आवाज ही नहीं गी आपां हुण कह रहे फलाना सिरमौर संस्था जे उहनें बोलना ही कुछ नहीं किसे दे खिलाफ उह कहिंदे सरकार असीं खिलाफ ही नहीं बोलना असीं अपना मूंह ही नहीं खोलना सिरमौर संस्था किस गल दी दसो मैनूं।
ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਰਮੋਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਹਾਰਾ ਨਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਚਲੋ ਆ ਅੱਗੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਪੈ ਜਣੀ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪੈਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਹੀਂ 70 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜੋ ਤੁਰੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਗਾਹ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸਿਡਿਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 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 ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬਸ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੀ ਅਰਜੁਨ ਟੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਅਬ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰੇ ਟਾਪ MD ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੇ ਸਾਥ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਬੈਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਪਾਏ ਸਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ www.planetayurveda.com